हाँ।, हाँ।, हाँ जी जी सारा होम साइंस एजुकेशन से बोल रही हूँ हेलो हाँ? हां जी बोलिए हेलो हाँ? हाँ हेलो फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून आ जाइए सब लोग जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते क्लास को हाँ जी सारा होम साइंस एजुकेशन से ही बोल रही हूँ मैं हमारे यहाँ पे टीजी टी पी जी टी जे आई सी एल टी यू जी सी नेम साइंस फाइव ब्रांच की तैयारी कराई जाती है फुल कोर्स विद पी डीएफ हाँ जी चार्ज देना होता है ओनली नाइन हंड्रेड नाइनटी गेंगें नाइन रुपीज नौ सौ निन्यानवे वन ईयर के लिए जिसमें आपको प्रैक्टिस बोलियो जिसमें आपको प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा जो ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो भी आपके डाउट भी क्लियर होंगे साथ ही साथ आपको टॉपिक वाइज जो सिलेबस हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास कंप्लीट करवाई जाएगी और साथ ही आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा जी जी उसके लिए आपको आप मुझे व्हाट्सएप करिए हाई लिख के सेंड करिए मैं आपको एक नंबर दूंगी हेलो ये बोल रही क्या मुझे के व्हाट्सएप पे मैं नंबर उस नंबर पे आपको फोन पे गूगल पे पेटीएम कुछ भी कर देना है और पे क्लास भेजूंगी आप फिर आपको एक लिंक दिया जाएगा उस लिंक को ओपन करके आपको पेट आफ्टरनून गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स जाइए जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को अर्चना जी गीता जी गुड आफ्टरनून आज हमारे यहाँ का मौसम थोड़ा सा अच्छा है बारिश बंद है थोड़ी सी धूप हुई है ठीक है तो आज ठंड कम है आ जाओ सब जल्दी जल्दी से फिर स्टार्ट करें अपनी क्लास को रीना जी मैं तो अच्छी हूँ आप सब लोग जल्दी जल्दी से आ जाइए स्टार्ट करते क्लास को और आज जो भी हमारा छूटा है ठीक है ताकि जो भी बच्चे जुड़ना चाहते क्लास से वो जुड़ जाएं। आज हम कपास के बारे में पूरा का पूरा देखेंगे पूरा कोर्स कंप्लीट करना है ये जो टॉपिक है कपास का, का ये आज हम कंप्लीट करेंगे और लाइव क्लास होगी ठीक है पब्लिक क्लास होगी तो आप सब लोग ज्वाइन हो जाइए जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं आप लोग बताइए आप सब कैसे हैं मैं बहुत अच्छी हूँ बट बिजी बहुत ज्यादा हूँ सत्यवती जी गुड आफ्टरनून आ जाए सब मैम आपके घर बहुत अच्छा लग रहा होगा हाँ अच्छा तो लग रहा है बट मैं फुल टाइम नहीं दे पा रही हूँ अच्छा बहुत लग रहा है कल से और ज़्यादा अच्छा लगेगा पर मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ फुल टाइम ढेर सारे लोग आए हैं तो अच्छा तो लगेगा घर ठीक स्टार्ट करें <laughs> बहुत पड़ता होगा जहाँ लोग ज्यादा है वहां पे काम तो करना पड़ेगा शादी हाँ? वाले घर में तो काम करना ही पड़ता है तो यहाँ पे देख लीजिए साधना जी गुड आफ्टरनून हाँ आप लोगों की दुआ से मेरा प्रमोशन हो जाएगा है ना हम्म सही है जिम्मेदारियां काफी हो जाती है भाई तो यहां पे देख लेते हैं अब क्लास को स्टार्ट करते हैं बाद, बाद में कर लेंगे लास्ट में ठीक है यहाँ पे जो नंबर में लिखी हूं ये सो नहीं हो रहा है सेवन एट नाइन टेन नाइन एट एट फाइव वन ये नंबर अब सो हो रहा है हाँ सत मैम मैं भी वही हूँ जी बिल्कुल जो है वो समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से जो अभी नहीं बने हैं वो जब बन जाएंगे तब समझेंगे है ना सत्यवती जी तो जिम्मेदारियां होती हैं बात बिल्कुल सही है जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी कविता जी प्रमोशन हो गया हाँ प्रमोशन हो गया सही बात है गुड आफ्टरनून अच्छा सत्यवती जी के पास तीन जिठानियाँ हैं क्या बात है सबसे छोटी हैं वो कविता जी सबसे छोटी हैं सबसे छोटी वालों का बहुत मज़ा होता है ना अच्छा एक बार इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं मुझे लगता है जो सबसे छोटी होती है घर पे उन उनका ज़्यादा मज़ा होता है क्योंकि जो बड़े होते हैं वो भी उनके सपोर्ट में आ जाते हैं तो उनको सपोर्ट ज़्यादा मिल जाता है अच्छा तो चले देखते हैं सजा ज्यादा होता है कोई बात नहीं सजा मजा दोनों एक साथ कभी सजा है तो कभी मजा है है ना तो स्टार्ट करते हैं जिन्होंने कल का क्लास देख लिया है ठीक है उनसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उनका सही जवाब आना चाहिए करेक्ट आना चाहिए और उसके बाद आप आज स्टेप देखेंगे साथ ही साथ भौतिक विशेषता देखेंगे और रासायनिक विशेषता देखेंगे ठीक है अब हम स्टार्ट कर देते हैं अपनी क्लास को बहुत सारी बातें हो गई अब जो भी बात है हम लास्ट में करेंगे ठीक है तो यहां पे स्टार्ट करें आज हमें देखना है कपास के बारे में और ये क्या है टेक्सटाइल है ठीक है टेक्सटाइल है ये टेक्सटाइल की थ्री क्लास है अभी न्यू बैच स्टार्ट है तो आज हमें देखना है कपास का पूरा फुल चैप्टर यहां पे देखेंगे टॉपिक देखेंगे यहाँ पे हमने कल कुछ बातों को देख लिया था पेड ग्रुप में बट आज हम स्टार्टिंग से देखेंगे और लास्ट तक और मैंने आप लोगों को क्या बताया जब भी हम कोई रेशा पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं कोई भी पढ़ेंगे ए टू जेड जब हम टेक्सटाइल में कोई भी रेशे का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन देखते हैं तो उसको तीन पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं पहला क्या पढ़ते हैं हम पहला तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं ठीक है पहला हम क्या पढ़ते हैं इंट्रो पढ़ लेते हैं इंट्रोडक्शन में क्या आ जाता है इतिहास आ जाता है कि इस रेशे की उत्पत्ति कहाँ से हुई कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है इसका उत्पादन कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है जन्मभूमि कौन सा है ए टू जेड सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं दूसरा पॉइंट हम क्या देखते हैं इसके स्टेप के बारे में देखते हैं ठीक और तीसरा जो पॉइंट है इसमें हम क्या देखते हैं विशेषताओं को देखते हैं करेक्टर स्टिक्स को देखते हैं क्लियर ये तीन पॉइंट हम देखते हैं और इसी तीन पॉइंट में पूरा का पूरा जो टॉपिक होता है वो कंप्लीट हो जाता है इस मैटर में अब लास्ट में बात करेंगे हम पहले क्लास को देख लेते हैं और यहाँ पे जो विशेषता होगी इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं ये जो विशेषता है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं पहला क्या होता है हम भौतिक को देखते हैं और दूसरा क्या होता है हम क्या देख लेते हैं रासायनिक विशेषता को देख लेते हैं तो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है हाँ जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा जो बच्चे कल की क्लास को देख चुके हैं उनका एक भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए ठीक है आगे बढ़ेंगे अब आग। और आज की क्लास जो है बहुत ही मजेदार होने वाली है सब लोग बहुत अच्छे से फुल एनर्जी के साथ आइए लगभग दो घंटे की क्लास चलेगी आज की लगातार कंटिन्यू हम देखेंगे और पूरा का पूरा ये जो टॉपिक है कपास का पूरा कंप्लीट करने वाले हैं ठीक है क्योंकि आज संडे है और आज आप सबको पता है संडे के दिन ओनली वन क्लास हम देखते हैं जो कि लंबी होती है हाँ आ जाओ सब पहले हम बात करेंगे कपास की जो कपास है ये जो है कहाँ का रेशा है जल्दी जल्दी से आंसर देते चलिएगा तो आपको क्या बताना है जो ये कपास है ये प्राकृतिक जगत का रेशा है ठीक प्राकृतिक जगत का रेशा है और प्राकृतिक जगत में हम बात करेंगे वनस्पति जगत का रेशा है मतलब वनस्पति से प्राप्त होने वाला है और वनस्पतियों को भी हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था पहला तो बीज से दूसरा तने से और तीसरी किससे पत्ती से तो यहाँ पे जो बीज से होता है ये क्या होता है कपास होता है ठीक है इसमें भी अगर हम सेलोलॉजिक फाइबर में देखते हैं वनस्पति में देखते हैं तो ये कहाँ से प्राप्त होता है बीज से और बीज से प्राप्त होने वाला क्या है कपास है और दूसरा क्या होता है कापुक होता है और आप सबको पता है ये जो कापुक होता है इसका यूज कभी भी कपड़े बनाने में नहीं किया जाता है क्यों क्योंकि इसमें प्राकृतिक एठन नहीं पाई जाती है ओके तो ये जो कपास है कहाँ से मिलता है बीज से और आप सबको पता है जो भी वनस्पति जगत का होता है इसमें क्या होता है सेलुलोज की प्रधानता होती है ठीक है इसमें क्या होता है सेलुलोज जो है इसकी प्रधानता होती है लगभग 90 परसेंट क्या पाया जाता है इसमें सेलुलोज पाया जाता है ये सारी पॉइंट जो है ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी ठीक क्लियर है यहाँ तक अभी जब हम इसके रासायनिक विशेषता और भौतिक विशेषताओं के बारे में देखेंगे तो हम वहां पे संगठन को देखते हैं और संगठन में ये आता है कि कौन कौन से तत्व से मिलकर इसका निर्माण हुआ है और इसमें जो तत्व तो पाए जाते हैं वो कितने परसेंट पाए जाते हैं तो आपको क्या बताना है जो कपास है प्राकृतिक जगत का है और प्राकृतिक जगत के जितने रेशे होते हैं जितने फाइबर होते हैं उसमें क्या होता है सेलुलोज की मात्रा होती है ज्यादा सेलुलोज की प्रधानता पाई जाती है लगभग नाइन्टी उसमें क्या पाया जाता है सेलुलोज पाया जाता है एक एक पॉइंट आपके क्लियर हो रहे हैं ना यहाँ पे हां जल्दी जल्दी से आ जाओ सब आज तो सबको पता है ना क्लास होगी पूनम गंगवार यूनिवर्सल अर्चना जी कपास को मानो के फ्रेंड कहते हैं जी बिल्कुल आगे बढ़ेंगे कभी भी पढ़ाई को बोझ समझकर नहीं पढ़ना चाहिए कंचन गुप्ता जी गुड आफ्टरनून अब हमें यहां पे देखना क्या है जो कपास है इसको किन किन नामों से जानते हैं ठीक है ठीके? जो कपास है इसे किन किन नामों से जाना जाता है पहला तो हम इसे क्या कहते हैं पहला इसे हम सार्वभौमिक रेशा कहते हैं ठीक है क्या कहते हैं इसे सार्वभौमिक रेशा कहते हैं यूनिवर्सल फाइबर कहते हैं इसे हम कपड़ों का राजा कहते हैं ठीक है थीके? इसे क्या कहते हैं कपड़ों का राजा कहा जाता है इसके साथ ही साथ ये क्या है ह्यूमन फ्रेंडली होता है मानव मित्रता ठीक है मानव मित्रता कहते हैं इसे हम क्यों कहते हैं क्योंकि इसमें जो वायु का आवागमन होता है शरीर की जो गर्मी होती है वो बाहर निकालने का काम होता है और बॉडी में क्या पहुंचाता है ठंडक पहुंचाने का काम करता है इसीलिए हम क्या करते हैं इसे ह्यूमन फ्रेंडली कहते हैं आपने देखा है जो कपास होता है कपास के जो कपड़े बनते हैं रेशे से इसका यूज हम कब करते हैं गर्मी में करते हैं ज्यादातर ताकि हमारी जो बॉडी है उसे ठंडक मिले और इसे प्रॉब्लम ना हो किसी भी तरह का ताकि शरीर की जो गर्मी है वो बाहर निकले और हमारा शरीर क्या हो ठंडा बना रहे ज्यादा से ज्यादा अगर आप देखेंगे जो गर्मी का मौसम होता है लीलन का या फिर कपास का कपड़ा हम पहनते हैं कपास या फिर लिलन से बने हुए कपड़ों का प्रयोग करते हैं ठीक है आगे बढ़ेंगे इसके नाम को हमने देख लिया यहां पे आपको बताना है जो कपास है ये किस भाषा का शब्द है जल्दी से आंसर दीजिए भाषा का शब्द है कपास किस भाषा का शब्द है किस भाषा से मिलकर बना हुआ है या फिर किस भाषा का शब्द है ये और वो जो शब्द है वो शब्द क्या है उसका नाम बताना है आपको जल्दी जल्दी से बताइए कल मैंने बताया हुआ है ना अभी जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए ताकि आज पूरी की पूरी ये जो टॉपिक है हम कंप्लीट कर लें अरेबिक जी बिल्कुल आपको क्या बताना है ये जो कपास है ये अरेबिक भाषा का शब्द अरेबिक भाषा का शब्द है और किस शब्द से बना हुआ है क्योटन से मिलकर बना हुआ है ये ठीक है कॉटन से मिलकर बना हुआ है और ये जो कॉटन है ये किस भाषा का शब्द है अरेबिक भाषा का शब्द है इतने पॉइंट क्लियर हुए आगे बढ़ेंगे यहां पे हमें देखना है कपास जो है कपास का जन्मदाता कौन सा देश है जन्मदाता बताइए जल्दी जल्दी से मूल उद्गम स्थान मूल उद्गम स्थान भारत बर्थ प्लेस इंडिया जी आपको क्या बताना है जन्मदाता स्थान या फिर मूल उद्गम स्थान कौन सा है भारत है ठीक है इंडिया में ये पैदा हुआ मतलब इंडिया में इसकी उत्पत्ति हुई भारत में किसकी कपास की उत्पत्ति हुई इसके साथ ही साथ इसमें हम अगर देखें तो अगर हम देखें आज उत्पादन की दृष्टि से नंबर वन कौन सा देश है तो क्या बताना है आपको भारत है ठीक है अगर हम इसमें उत्पादन की दृष्टि से देखें नंबर वन फर्स्ट स्टेज पर कौन सा देश है तो आपको क्या बताना है भारत है जन्मदाता भी भारत है और उत्पादन में भी फर्स्ट नंबर किसका है भारत का है इसके पहले आपने क्या देखा था अमेरिका देखा था बट अमेरिका नहीं है का, तो आपको क्या बता देना है 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 भारत में में हो रहा ठीक उत्पादन में अमेरिका है अमेरिका नहीं है सत्यवती जी अभी कल ही मैंने पढ़ाया हुआ है और आप लोगों के पास एक मैंने इमेज भी सेंड किया हुआ है पूरी की पूरी लिस्ट है उसमें कौन सा कब है ठीक है हाँ पहले अमेरिका था अब क्या है भारत है सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे हो रहा है भारत में हो रहा है और अगर गुणवत्ता की दृष्टि से देखें ठीक है अगर हम गुणवत्ता की दृष्टि से देखें सबसे अच्छा जो कपास होता है वो कहाँ का होता है गुणवत्ता जिसकी क्वालिटी वेस्ट होती है ऐसी जगह का नाम बताइए जहां के कपास की जो क्वालिटी है वो सबसे अच्छी होती है अति उत्तम कपास उत्पादित कहां पे किया जाता है सबसे बेस्ट क्वालिटी के कपास का उत्पादन कहां पे किया जाता है किस देश में किया जाता है मिस्र में जी आपको क्या बताना है यहां पे मिस्र में किया जाता है गुणवत्ता की दृष्टि से देखें हम तो नंबर वन पे कौन है मिस्र है ठीक है हाँ, मिस्र का है अब यहां पे बताना है जो इसके पेड़ की लंबाई होती है वो कितनी होती है कपास के पेड़ की लंबाई कपास के रेशे की लंबाई आप लोग बताइए कपास के पेड़ की लंबाई कितनी होती है इसमें भूलना नहीं है ठीक है कपास के पेड़ की लंबाई जो उसका पौधा होता है रेशे की लंबाई कितनी होती है जल्दी जल्दी से बताते चलिए चार से छह इंच 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 नहीं ठीक है पेड़ की अगर हम बात करें तो चार से लेकर छ फीट होती है ठीक चार से छ फीट होता है तीन से छे भी आपको देखने को ये मिल जाएगा ठीक है बट क्या होता है फीट में होता है ना कि इंचज में होता है इसके पौधे की लंबाई इसका पौधा जो होता है काफी लंबा होता है अगर आप लोगों ने देखा हो तो हरे कलर का होता है डार्क ग्रीन कलर का होता है और इसका जो पौधा होता है काफी लंबा होता है और लंबे के साथ साथ ये मजबूत भी होता है अगर आप लोगों ने देखा हो तो पेड़ की लंबाई चार से छह फीट होती है कहीं कहीं आपको तीन से छह फिट भी देखने को मिल जाता है और जो रेशे की लंबाई होती है वो कितनी होती है रेशे की लंबाई कितनी होती है रेशे की लंबाई हाँ जी रेशे की लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बताएंगे एक बटा दो इंच से लेकर दो से ही एक बटा दो इंच होती है मतलब यहां पे बताना है आधे इंच से लेकर ढाई इंच का जो होता है इसका रेशा होता है किसका तो आपको क्या बता देना है कपास का ठीक है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको आपको ध्यान में रखते हुए चलना होगा ये इस टॉपिक का इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओके okay? हाँ इसमें क्या बताना है कपास जो है जन्मदाता मूल उद्गम स्थान कौन सा है भारत है उत्पादन की दृष्टि पे फर्स्ट नंबर पे अभी प्रेजेंट टाइम में कौन सा देश है भारत है गुणवत्ता की दृष्टिकोण से अगर हम देखें सबसे अच्छा जो कपास है वो कहाँ पे उगाया जा रहा है मिस्र में उगाया जा रहा है और जो कपास है इसके पेड़ की लंबाई कितनी होती है चार से लेकर छ फिट होती है या फिर तीन से लेकर छह फिट होती है और रेशा जो होता है कपास का डेढ़ सॉरी आधे इंच से लेकर ढाई इंच की होती है इसके बीच का कुछ भी रेशियो अगर आप एग्जाम टाइम में देखते हैं तो उसको करेक्ट लगा सकते हैं ठीक है इसके बीच का अगर कोई आपको देखने को मिल जाता है जैसे पेड़ की लंबाई की अगर हम बात करें तो आपको अगर पांच से छह फीट देखने को मिलता है तो भी करेक्ट होगा चार से छह फीट देखने को मिलता है तो भी आपको करेक्ट मानना पड़ेगा हा ठीक आगे बढ़े क्लियर हुआ यहां तक बताइए यूनानी लोग जो हैं यूनानी लोग जो हैं कपास की तुलना किससे किए हैं कपास की तुलना किससे किए हैं गुड आफ्टरनून यामिनी सिंह आपको ये बताना है जो यूनानी लोग हैं इन्होंने कपास की तुलना किससे की है जल्दी जल्दी से आंसर देते चलिए जो पेड़ बच्चे हैं उनका बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए ऊल से जी बिल्कुल आपको बताना है जो यूनानी लोग हैं ये जब हमारे इंडिया में आए तो इन्होंने देखा कि इनके यहाँ पौधे के ऊपर जो बीज है उससे क्या प्राप्त किया जा रहा है रेशा ऊन के जैसा रेशा प्राप्त किया जा रहा है तो ये जो यूनानी लोग हैं इन्होंने ये जब अपने यहाँ गए तो वहाँ के लोगों को बताया कि इंडिया में हमने देखा है कि पौधों का जो फल होता है उस फल के अंदर जो बीज होता है बीज के चारों तरफ क्या लगा होता है रेशा होता है तो यूनानी लोग इसकी तुलना किससे करने लगे भेड़ से प्राप्त ऊन से करने लगे ठीक है भेड़ से प्राप्त ऊन से किसकी तुलना किए तो आपको बताना है हमारे यहाँ का जो कपास होता है कपास की तुलना भेड़ से प्राप्त ऊन से किया किसने किया यूनानी लोगों ने किया हाँ ऊल से किए हैं जी जलवायु कैसी होनी चाहिए कपास के लिए जलवायु कैसी हो अगर हम कपास की बात करें तो यहां के लिए कपास उत्पादन के लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए बताइए आप लोग उसने कटिबंधी जी आप आप सब लोग आंसर देते चलो जलवायु की अगर हम बात करें तो ये कैसी होती है उष्ण कटिबंधीय होनी चाहिए और इसके साथ ही साथ अगर हम मिट्टी की बात करें तो मिट्टी कैसी होनी चाहिए काली मिट्टी होनी चाहिए ठीक है इसके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए तो आपको बता देना है काली मिट्टी होनी चाहिए कपास के लिए उगाने के लिए इसको उष्ण कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है और साथ ही साथ जो मिट्टी हो यहाँ की वो कैसी हो काली मिट्टी होनी चाहिए और आप सबको पता है जो काली मिट्टी होती है ये क्या होती है नमी को सोख कर रखने का काम करती है हाँ काली मिट्टी होनी चाहिए यहां पे अगर हम बात करें इसका जीवन चक्र कितना होता है जीवन चक्र या फिर फसल चक्र जीवन चक्र या फिर फसल चक्र कितने टाइम का होता है कितने महीने का होता है कितने डे का होता है मंथ में भी बताना है और डे में भी बताना है आपको क्योंकि ये दोनों में पूछा गया है कितने महीने का है और कितने मंथ का है 200 दिन का है हां जी और वन ईयर जी आपको क्या बताना है अगर डे में पूछा जाए ठीक है तो आपको 200 डे बताना है मतलब 200 दिन का होता है या फिर अगर आपसे महीने या फिर वर्ष में पूछा जाए तो आपको यहां पे क्या बताना है एक वर्ष का होता है ओ पी मौर्य होम साइंस टीजीटी का क्लास कैसे एडमिशन ले एडमिशन लेने के लिए ओ पी मौर्य जी आपको इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर देना है वहां पे आपको एक नंबर दिया जाएगा उस नंबर पे आपको फोन पे गूगल पे या फिर पेटीएम करना होगा ओनली ट्रिपल नाइन नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन रुपीज़ में आपको पूरे वन ईयर का क्लास दिया जा रहा है और जो फाइव ब्रांच है पूरे के पूरे कंप्लीट करवाए जा रहे हैं साथ ही आपको पीडीएफ भी दिया जा रहा है तो इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर लीजिएगा आप, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी सेवन पे कॉल या मैसेज करना है राधा रानी जी गुड आफ्टरनून क्लियर आपको क्या बताना है जलवायु के बारे में अगर हम डिस्कस करें कपास को लेकर तो इसके लिए उष्ण कटबंधी जलवायु की आवश्यकता होती है और मिट्टी जो होगी काली होनी चाहिए जीवन चक्र आपसे डे में भी पूछा गया है वर्ष में भी पूछा गया है तो अगर हम डे की बात करते हैं तो 200 डे का होता है और फसल चक्र जो इसका जीवन चक्र है अगर मंथ में पूछा जाता है ईयर में पूछा जाता है तो आपको एक वर्ष बताना है ठीक है हेमलता जी गुड आफ्टरनून एन के पटेल गुड आफ्टरनून आगे बढ़े आज पूरा का पूरा जो कपास वाला टॉपिक है ये कंप्लीट होगा ठीक है बट यहां पे जो ट्रिक है वो नहीं पता चलेगी आपको ओके अब हमें देखना है प्रोसेस को अब हमें क्या देखना है इसके प्रोसेस को देखना है और प्रोसेस जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेप कहें प्रोसेस कहें टर्मिनोलॉजी कहें तीनों एक होगा ठीक है इसका स्टेप कहें हम प्रोसेस कहें या फिर टर्मिनोलॉजी कहें तीनों एक ही है आज से एग्जाम टाइम में स्टेप करके पूछा गया है प्रोसेस करके पूछा गया है और क्या क्या पूछा गया है टर्मिनोलॉजी करके भी पूछा गया है और जो ये शब्द हैं इसको अरेंज करने के लिए भी पूछा जाता है और उसके साथ ही साथ एक शब्द दे दिया जाता है उसका अर्थ भी पूछा जाता है कि इसके मीन्स क्या होता है हाँ, प्रोसेस पूछा जाता है राधा रानी जी प्रोसेस भी पूछा गया है स्टेप में अरेंज करने के लिए पूछा गया है एक वर्ड दे दिया जाएगा उसकी मीनिंग पूछी जाती है कि इसका मतलब क्या होता है मैम रिसर्च पढ़ाएंगी कि किसी दिन तो यहां पे आपको फुल क्लास नहीं मिलेगी हेमलता जी आ, मैंने कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा हुआ था कि क्या जो कपास है उसमें नेचुरल चमक जो ब्राइटनेस होता है वो पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है आज फिर से बता दीजिए आप लोग इसका आंसर नहीं पाया जाता है नहीं पाया जाता है तो कुछ प्रोसेस किया जाता है वो जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है चमक को बढ़ाने के लिए जो कॉटन का फाइबर है उस पर जो प्रोसेस किया जाता है उस प्रोसेस का नाम बताइए आप लोग प्रणाम जी प्रणाम सेनु जी आपको उस प्रोसेस का नाम बताना है जो चमक को बढ़ाने के लिए हम करते हैं कपास पे मशराजी कब से हो रही है क्लास लगभग आधे घंटे हो गए क्लास को स्टार्ट हुए हां मर्श राइजिंग का प्रयोग किया जाता है यहां पे हम प्रोसेस अगर देखें ठीक है अगर हम प्रोसेस देखें तो पहले क्या आता है हार विस्टिंग आता है इसको बहुत ही ध्यान से देखना है सबको आज तो मर गए क्यों हार वेस्टिंग देखना है हार वेस्टिंग मीन क्या होता है इसको जरा स्लो पढ़ेंगे हम ताकि चीजें क्लियर हो प्रोसेस अगर हम स्टेप की बात करते हैं तो स्टेप में पहला आ जाता है हार वेस्टिंग और हार वेस्टिंग का मतलब क्या होता है हार वेस्टिंग का मतलब क्या होता है आज संडे है और संडे को सबको पता है एक बजे से क्लास स्टार्ट होती है तीन बजे तक कंटिन्यू हम क्लास को देखते हैं और कोई अच्छा सा टॉपिक कंप्लीट करते हैं या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो आज मैं यहाँ पे टेक्सटाइल का ले आई हूं टॉपिक कपास को हम देखेंगे और कपास का पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा कपास का न्यू बैच स्टार्ट हुआ है तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं क्या डाउट है चांदी जी बताइए डाउट बोना बोना अच्छा अच्छा काटना हाँ, काटना या बोना, अच्छा, पहले हार्वेस्टिंग का जो मतलब होता है पहले आप लोग किसी चीज की बुआई करते हो या पहले कटाई कर लेते हो पहले तो यही बता दीजिए हाँ अगर इंग्लिश मीनिंग जाएंगे तो गलत हो जाएगा ठीक है ये टर्मिनोलॉजी है शब्दावली है टेक्सटाइल की अगर आप इसके अर्थ पे जाएंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे तो यहां पे हाँ चांदनी नेम है CS का जो है है ये क्या होता है? मतलब एकत्रित एक करना और किसको कोए को ठीक है हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है एकत्रित एक करना एकत्रित एक करना किसको तो आपको बताना है कोए को ठीक है टर्मिनोलॉजी यूज किया गया है टेक्सटाइल का आप इंग्लिश शब्दावली को लेकर ना चले तो ज्यादा बेटर होगा हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है एकत्रित करना और एकत्रित क्या करना है कोए को करना और कोया क्या होता है तो आपने देखा है जो कपास होता है इस टाइप का होता है कितने लोगों ने देखा है हाँ ऐसे तो नॉर्मल खेती करना ही होता है बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आपको हार्वेस्टिंग मतलब होता है एकत्रित एक करना और क्या एकत्रित एक करना कोए को और जो ये कोआ होता है ये क्या होता है तो आपको ये बताना है जो कपास का ये जो होता है पोर्ट्स जिसे हम कहते हैं ठीक है इंग्लिश में इसे हम क्या कहते हैं पोड्स होता है और इसी पोड्स के अंदर बीज होते हैं और इसी बीज के चारों तरफ क्या लगा हुआ होता है कपास लगा हुआ होता है जब कच्चा होता है तो इस टाइप का होता है और जब ये पक जाता है तो इस टाइप से ये खुल जाता है और यहाँ जो कपास है यहाँ से निकलने लगते हैं रुई निकलने लगती है तो आपको बता देना है हार्वेस्टिंग का मतलब यहाँ पे किससे लगाया गया है ये जो कोए हैं जिससे हमें रूई मिलेगी कपास मिलेगी इसको हमें क्या करना है एकत्रित कर लेना है ठीक है हाँ बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा मैंने भी देखा है मैंने तोड़ा भी है इसको ठीक है कच्चे कच्चे जब ये कच्चा होता है उस टाइम पे भी मैंने इसको देखा है ये जब पक जाता है कैसा होता है उसको देख, देखा है मैंने और इसके जो फूल होते हैं कुछ इस टाइप के होते हैं ठीक है ठीके? वाइट रेड कलर लिए हुए होते हैं येलो भी होते हैं हल्के से तो इसके फूल भी इस टाइप के होते हैं ठीक है ठीके? ये क्या होता है इसको एकत्रित करना ही क्या कहलाता है हार्वेस्टिंग कहलाता है ठीक है अब पे इसको जब हम एकत्रित कर लेते हैं सारे पोर्ट्स को हमने एकत्रित कर लिया है अब पोर्ट से ही हमें क्या निकालना है रुई को निकालना है तो उसके बाद का जो प्रोसेस आता है वो क्या होता है हार्वेस्टिंग के बाद क्या गिन आ जाता है ये गिनिंग जो होता है गिनिंग का मतलब क्या होता है गिनिंग का मतलब क्या होता है बताइए गिनिंग जो है गिनिंग का मतलब क्या है मेरे खेत में हुई थी हाँ जी हुआ होगा हाँ देखो पुष्पा जी के घर पर ही है कोई बात नहीं चांदनी जी आप गूगल पर सर्च करके देख लीजिए उसका पौधा कैसे होता है फूल कैसे होता है पोर्स कैसे होते हैं बिनौले कैसे होते हैं सारी चीजें आपको दिख जाएंगी ठीक है तो यहां पे जो गिनिंग है गिनिंग का मतलब क्या होता है गिनिंग का मतलब होता है कोए से कपास को अलग करना मतलब बिनौलों को निकालना ठीक है गिनिंग का मतलब क्या होगा बिनौला हो जाता है बिनौलों को निकालना अब बिनौला क्या होता है जरा आप लोग ये बताइए जो बिनौला है इसके मतलब क्या होगा गिनिंग का मतलब होता है बिनौलो को निकालना किससे जो रोई है जो कपास है जो फूल है उससे निकालना बिनौला क्या होता है पहले तो बताइए तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे जब भी पूछा जाएगा पहले आपको बिनौले का मतलब समझना है कि बिनौला क्या होता है कोई को कोवा नहीं होता है बिनौला ठीक है कोए जो होते हैं ये अलग चीज है जो बिनौला है ये अलग है दोनों अलग अलग होते हैं क्या अलग करना इसको हिंदी अगर हम इसको सामान्य भाषा में समझना चाहे तो बिनौले को क्या कहेंगे क्या कह के आप किसी व्यक्ति को समझाओगे मान लो कि आपके सामने वाला है किसी ने आपसे गिनिंग का प्रोसेस करने के लिए बोला आपने किसी से और आपने बोल दिया कि बिनौलो को निकाल लो अब जो सामने वाला व्यक्ति है उसे पता ही नहीं है कि बिनौला क्या होता है तो आप उसे क्या कह के बताओगे कि क्या निकालना है जरा इसका आंसर देना है आपको हाँ बिल्कुल करेक्ट आ रहा है अभी पुष्पा जी का कविता का वंदना का माधुरी सिंह का सत्यवती का बीज को निकालना बिनौले का मतलब क्या होता है बीज होता है और आपने कपास में देखा होगा ब्लैक कलर का छोटा छोटा बीज होता है जैसे एप्पल का बीज होता है ना सेम ब्लैक कलर का जैसे एप्पल का बीज होता है एप्पल की बीज से थोड़ा सा मोटा और ब्लैक कलर का क्या होता है बिनौला होता है जिसे हम बीज कहते हैं सीड्स कहते हैं उस चीज को बिनौलों से अलग करना मतलब रुई से अलग कर देना निकाल देना जब भी आप कोए को खोलेंगे ठीक है मान लो ये ये कोए हैं और कोए में क्या है रुई लगी हुई है चारों तरफ से जब आप इसको खोलोगे रुई को जब आप निकालते हो तो उसके अंदर क्या होते हैं छोटे छोटे बीज होते हैं और बीज के चारों तरफ अगर हम देखें तो ये इसका बीज है और बीज के चारों तरफ क्या होते हैं ये रुई जो है जो कपास ये लपेटे हुए होते है, इसको हमें क्या करना होता है? निकाल के अलग रखना होता है और जो ये बिनौला है इसको अलग कर देना होता है यही क्या कहलाता है गिनिंग का प्रोसेस कहलाता है हाँ आगे बढ़े क्या हो गया सी एस जी को हद है सॉर्टिंग क्या होता है सॉर्टिंग क्या होता है सीएसजी को क्या हो गया भाई किस मैटर में हद है बोल रही है अब आपको बताना है जो सॉर्टिंग होता है इसका मतलब क्या होता है पपीता का पपीते का का बीज बीज पपीते अलग तरह का होता है और बिनोला अलग तरह का होता है ठीक है पहले तो इसका मतलब बताइए सोर्टिंग का मतलब क्या होता है छटाई जी बिल्कुल सोर्टिंग का मतलब क्या होता है छटाई होता है और छटाई हम किस वेश पर करते हैं छटाई की अगर हम बात करें तो इसमें हमें देखना है गुणवत्ता की दृष्टि से कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है किसकी क्वालिटी अच्छी है किसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है इसके साथ ही साथ हम क्या देखेंगे लंबाई की दृष्टि से देखते हैं कलर की दृष्टि से इसको मतलब इन सारे बेस पर गुणवत्ता लंबाई कलर के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं इसकी छटाई करते हैं किसकी तो आपको बता देना है रुईयों की यही क्या कहलाता है सॉल्टनिंग कह कहलाता है सोल्टिंग का मतलब क्या होता है छटाई करना ठीक हाँ कॉटन के फाइबर के क्वालिटी के आधार पर हम क्या करेंगे इसे छाटकर जो अच्छे क्वालिटी के होंगे अच्छा कलर होगा कच्चा नहीं होगा उसको हम अलग रख देते हैं जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है उसको हम अलग रख देते हैं ये काम करना ही क्या कहलाता है सॉर्टिंग कहलाता है वेलिंग क्या होता है वेलिंग प्रोसेस को समझते जाइए देखते जाइए आप लोग एक एक पॉइंट को नोट कर लीजिएगा वेलिंग क्या होता है वेलिंग का मतलब क्या है पूनिया बनाना बेलिंग का मतलब होता है गांठ लगाना ठीक गांठ लगाना मतलब अब आपने छाट लिया है अब आप एक एक को गट्ठर बाद बांध के रख दीजिए ठीक है सामान्य भाषा में अगर हम इसको समझे तो अब आपने क्या किया सॉर्टिंग कर दी आपने छटाई कर दी है अब आप क्या करेंगे वेलिंग कर देंगे गांठ लगाकर उसको मतलब एक गट्ठर बना बना के अलग अलग से उसको रख देते हैं अगला जो प्रोसेस आता है इसके बाद ओपनिंग एंड ब्लैंडिंग ठीक है ओपनिंग एंड ब्लैंडिंग का मतलब क्या होता है ओपनिंग एंड ब्लैंडिंग का मतलब क्या होता है ओपनिंग की अगर हम बात करें ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग की तो इसका मतलब होता है खोलना और मिलाना ठीक है खोलना और मिलाना और ये काम कहाँ पे होता है इसको भी बता दीजिए आप लोग ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग का जो वर्क है ये कहाँ पर किया जाता है मील में किया जाता है या फिर घर पर किया जाता है या फिर आप अपने हाथ से करते हो ये सारे काम किए कहाँ पे जाते हैं ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग का काम ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग का मतलब होता है जो जो गट्ठर बने हुए हैं उसको खोल कर एक में मिला देना ये सारा प्रोसेस कहाँ पर होता है घर पर किया जाता है या फिर मिल में किया जाता है ये आपको बताना है मिल में जी बिल्कुल अनु जी ये सारे प्रोसेस कहां पे किया जाते हैं खोलने और मिलाने का काम कहां पे किया किया जाएगा मिल में किया जाता है ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग का काम जिसका मतलब होता है खोलना और एक में मिक्स कर देना अगला जो प्रोसेस आएगा इसमें एंड ठीक है कॉर्डिंग एंड डबलिंग जो होता है डिंग एंड डबलिंग का मतलब क्या होता है इसका मतलब बताइए आप लोग कोरिंग और डबलिंग सीनू राजपूत का नाम पढ़कर ही मुझे लगता है ये राजस्थान साइड की ही है अच्छा सीनू राजपूत कहां की हैडिंग एंड डबलिंग का मतलब क्या होता है कोडिंग का मतलब क्या होता है धुनाई करना ठीक है कोडिंग एंड डबलिंग का मतलब होता है धुनाई करना और दोहराव ठीक है कोडिंग का मतलब क्या होता है धुनाई करना होता है और डबलिंग का मतलब क्या होता है दोहराव तो यहाँ पे आपको बता देना है धुनाई करना दोहराव ये सब क्या है इसका मतलब हो गया कोडिंग एंड डाबिंग का धुनाई में क्या होता है कोई बड़ा सा मोटा सा एक यंत्र होता है उसको क्या करते हैं जो कपास है जो कॉटन है उस पर पिटाई की जाती है ताकि जो जो कॉटन है उसमें जो भी अशुद्धियां होंगी वो बाहर निकल जाए जो छोटी छोटी जो धूल कर जो मिट्टी है वो सारी अशुद्धियां जो है वो बाहर निकल जाए अगर आप लोग मार्केट वगैरह में गए हैं तो कॉडिंग का प्रोसेस करते हुए आपने देखा हुआ होगा कॉटन पर जो कॉडिंग का प्रोसेस किया जाता है वो क्या होता है इस टाइप का एक यंत्र होता है इससे क्या करते हैं जो जो कॉटन होता है उस पर पिटाई की जाती है जिससे इसके अंदर की जो अशुद्धियां होती हैं वो क्या हो जाती हैं बाहर निकल जाती हैं और सारी चीजें क्या होती हैं फिर इसे डबल करके फिर क्या किया जाता है उस पे धुनाई की जाती है ताकि जो प्राकृतिक अशुद्धियां हैं धूल मिट्टी कण जो पत्तियां वगैरह हैं सब कुछ क्या हो जाए बाहर निकल जाए इसे यही प्रोसेस क्या कहलाता है कोडिंग एंड डबलिंग का कहलाता है फीस ओनली 999 ठीक है आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं अब आगे बढ़ेंगे और एक एक जो पॉइंट है स्टेप है इसको आप लोग लिखते चलिए तो ज्यादा बेटर होगा पिटाई की जाती है जी बिल्कुल पिटाई करना कोई भी चीज है आपके पास कोई भी सामान है जैसे यहाँ पे कॉटन की बात कर रहे हैं कॉटन कॉटन पे जब आप भारी सामान को गिराओगे जैसे कोई रोलर हो और उसको क्या की जा रही है इस पे बार बार गिराया जा रहा उठाया जा रहा है तो इसकी जो अशुद्धियां होंगी जो छोटे छोटे धूल कर मिट्टी होंगे वो अपने आप बाहर निकल जाते हैं मतलब इसकी अशुद्धियों को दूर करने का काम किया जाता है धुनाई के द्वारा कॉम्बिंग मतलब क्या होता है जैसे मैं पढ़ा रही हूं स्टेप वाइज वैसे ही आपको लिखते जाना है ये स्टेप बता रही हूं इसके बाद कौन सा आएगा उसके बाद कौन सा आएगा ये स्टेप आपसे पूछा जाता है इसलिए मैं ये सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से बता रही हूं पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करते जा रही हूं ठीक कॉम्बिंग का मतलब क्या होता है सुलझाना जी बिल्कुल सुलझाना या फिर कंघी करना ठीक है सुलझाना या फिर कंघी करना ओके okay? जैसे हम क्या करते हैं सेम कंडीशन यहां पे अप्लाई होती है जैसे हम अपने बालों की कंघे करके बालों को सेट करते हैं सुलझा लेते हैं ठीक वैसे ही किया जाता है किस पे कॉटन पर कॉम्बिंग का काम किया जाता है और कॉम्बिंग का मतलब होता है सुलझाना या फिर कंघी करना ओके okay, अगला क्या होता है ड्रामिंग आ जाता है ये जो ड्रामिंग है इसका मतलब क्या है ड्राविंग का मतलब क्या होता है ड्राविंग का मतलब क्या है आज तीन बजे तक क्लास चलेगी कंटिन्यू पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे हम कॉटन को खींचना और अभी न्यू बैच स्टार्ट हुआ है टेक्सटाइल से तो जितने भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं ये जो नंबर सो हो रहा है इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके सेवन एट नाइन टेन नाइन एट एट फाइव वन पे कॉल या मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है ड्राइंग का मतलब क्या होता है खींचना खींचने का काम किया जाता और का है और ये जो खींचने का प्रोसेस है ये भी किसके द्वारा किया जाता है यंत्रों के द्वारा किया जाता है हाथ से नहीं किया जाता है ठीक है अगर आपसे कभी भी यहां से क्वेश्चन पूछा जाए कि ड्राविंग का जो प्रोसेस है ये हाथों से किया जाता है तो आपको बता देना है हाथों से नहीं किया जाता है अब ये जो सारे प्रोसेस हो रहे हैं ये मिल में किए जाते हैं और मिल में किससे किए जाते हैं यंत्र की सहायता से किए जाते हैं ठीक है इसके बाद आ जाता है रोविंग रोविंग का मतलब क्या होता है रोविंग का मतलब क्या होता है रोविंग का मतलब रोविंग का मतलब होता है घुमाना ठीक है रोविंग का मतलब होता है रोल करना अब ये इसमें खींचने का काम हुआ इसको सुलझा दिया गया हल्की सी खिंचाई की गई अब इसे हम क्या करेंगे घुमाएंगे ठीक है आपने तकली चरखा देखा होगा उसमें क्या किया जाता है तकली में क्या किया जाता है रेशों को घुमाया जाता है और उससे रेशा बनाया जाता है धागा बनाया जाता है वही प्रोसेस अब यहाँ पे किया जाएगा रोविंग का मतलब घुमाने का काम किया जाता है उसके बाद क्या किया जाता है सिल्वरिंग की जाती है सिल्वरिंग का मतलब क्या होता है पोनी बनाना ठीक है पोनी बनाना सिल्वरिंग का मतलब क्या होता है पोनी बनाना और यह काम किससे किया जाता है मशीन और, और हाथ दोनों से किया जा सकता है पोनी जो बनाई जाती है यह काम मशीन और हाथ दोनों से किया जाता है उसके बाद आ जाता है स्पिनिंग का प्रोसेस ठीक है स्पिनिंग का प्रोसेस होता है स्पिनिंग मतलब क्या होती है कटाई करना स्पिनिंग का प्रोसेस क्या होता है स्पिनिंग मतलब होता है कटाई करना रेशे से धागा बनाने का काम यहाँ से स्टार्ट हो जाता है स्पिनिंग स्पिनिंग मतलब क्या होता है रेशे से धागा बनाना अब यहाँ से स्टार्ट हो गया है उसके बाद आ जाता है वीविंग ठीक है इसके बाद यहां पे क्या आ जाएगा वीविंग वीविंग आ जाता है है और वीविंग का मतलब क्या होता है? बुनाई करना बुनाई करने का मतलब क्या होता है ताने और बाने के फार्म पर करघे पर सेट कर दिया जाता है किसको कॉटन को ओके ताने और बाने के फार्म में सेट करना ही क्या कहलाता है बीविंग कहलाता है क्या है ये ताने और बाने के फार्म में सिट करना ही क्या कहलाता है वीविंग कहलाता है और अगला जो प्रोसेस होगा ये फिनिशिंग आ जाएगा ठीक है अगला जो प्रोसेस होगा यहाँ पे फिनिशिंग आ जाएगा और फिनिशिंग का मतलब क्या होता है परिसज्जा होता है परिसज्जा का मतलब जो ग्रे गुड्स होते हैं जो करघे से उतरे हुए कपड़े होते हैं उसे हम ग्रे गुड या ग्रीस गुड कहते हैं उसमें तमाम तरह की अशुद्धियां लगी होती हैं और वो जो अशुद्धियां है वो किसके द्वारा दूर की जाती है परिसंजा के द्वारा फिनिशिंग के द्वारा दूर की जाती है और फिनिशिंग किया हुआ वस्त्र ही हम पहनते हैं ठीक है इसमें क्या आ जाएगा इसमें आ जाता है डाइन ठीक है डाइंग का मतलब क्या होगा रंगाई की जाती है और उसके बाद प्रिंटिंग किया जाता है प्रिंटिंग मतलब क्या होगी छपाई का, का काम किया जाता है और यही पूरा का पूरा स्टेप है ठीक है यही का पूरा का पूरा स्टेप हो गया आपका कपास का कॉटन का जो कि कई बार रिपीटेड फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है यहां से और यहां से क्वेश्चन जरूर से जरूर आएगा हर बार यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है चाहे कोई एक वर्ड उठा के उसका अर्थ पूछा जाए अरेंज करने के के लिए पूछा जाए मैच करने के लिए पूछा जाए असेसन और रीजन का पूछा जाए कुछ ना कुछ यहां से जरूर से जरूर पूछा जाता है ठीक क्लियर हुआ आगे बढ़े इसमें वेटिंग का प्रोसेस नहीं किया जाता है जो वेटिंग का प्रोसेस किया जाता है वो होता है रेशम में ठीक है अच्छा आप दोपहर में कुछ बनाती हैं अगला आगे बढ़े अब और इसका ट्रिक मैं पेड क्लास में बताऊंगी ठीक है यहां पे ट्रिक नहीं दूंगी मैं आगे बढ़ते हैं अब हमें इसमें देखना है अच्छा आप लोग एक बात बताइए व्हाइट गोल्ड की अगर हम बात करें व्हाइट गोल्ड वाइट गोल्ड किसे कहते हैं व्हाइट गोल्ड किसे कहा जाता है ठीक आप लोगों को जानना हो तो उसके लिए आपको क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा कॉटन को हाँ जी आपको क्या बताना है व्हाइट गोल्ड की अगर हम बात करें तो हम कपास को कहते हैं ठीक है कॉटन को ही हम क्या कहते हैं व्हाइट गोल्ड के नाम से जानते हैं अच्छा आपको बताना है एक माइक्रोन की बात करें तो एक माइक्रोन में जो होता है कपास अच्छा कॉटन को कहते हैं जी एक माइक्रॉन में कितने मिलीमीटर होते हैं आपसे यह क्वेश्चन भी पूछा गया है एक माइक्रॉन में कितने मिलीमीटर होते हैं आपको बताना है एक माइक्रॉन में कितने मिलीमीटर होते हैं आपको बता देना एक माइक्रोन बराबर एक बटा एक हजार मिलीमीटर ठीक है मिलीमीटर इस चीज को भी याद रखना यह भी कई बार पूछा गया है स्कूल से तीन से पैंतीस तीन पैंतीस पर आती हूं बताइए क्या बताना है वन माइक्रॉन में कितने मिलीमीटर होते हैं एक बटा एक हजार एन के पटेल जी क्या पूछना है स्कूल से तीन पैंतीस पर आती हूं बताएं एन के जी आप क्लास को कभी भी देख सकते हैं ठीक है ऐसा नहीं है कि लाइव क्लास दी जा रही है और क्लास डिलीट हो जाती है अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो वो जो क्लास है जो पीडीएफ है आपके पास ही पड़ा रहेगा आप जब फ्री हो तब क्लास और पीडीएफ को देख सकते हैं ठीक है आप जब भी फ्री होते हैं आप क्लास और पीडीएफ को देख सकते हैं वो क्लास और पीडीएफ आपके पास सेव हो जाता है वो डिलीट नहीं होता है अब हमें देखना है विशेषता को कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना है जी टाइम तो चेंज होगा ही होगा क्योंकि राधा जी को भी प्रॉब्लम होती है तो टाइम चेंज होता ही होगा क्लास नाइट चलता है ठीक है आपको यहाँ पे बताना है चलो देख लेते हैं जो इलाज सिटी है ठीक है इलाज सिटी की अगर हम बात करें इलाज सिटी क्या होता है मैं कई बार ये पूछ चुकी हूँ कई बार आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हो इलाज सिटी और रेसी लिंस की बात करें तो ये क्या होता है एक बार फिर से आज बात कर लेते हैं इस मैटर पर क्योंकि जब भी हम टेक्सटाइल स्टार्ट करते हैं तो ये चीज हमारे सामने बहुत बार आती है हर एक फाइबर में इसको हमें देखना ही देखना होता है तो ये जो है पॉइंट आपको क्लियर करना ही पड़ेगा इलासिटी और रेशिलेंसी में क्या डिफरेंस है इसको अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो ज्यादा बेटर होगा और इसे हम इलासिटी को क्या कहते हैं इसे हम प्रतिस्थता कहते हैं ठीक है इलासिटी को हम क्या कहते हैं प्रतिस्थता कहते हैं और रेशिलेंसी को हम क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं रेशिलेंसी को हम प्रतिस्कंदता कहते हैं ठीक है प्रतिस्कंदता कहते हैं अब आप बताइए अगर आप लोग इसे इंग्लिश में याद करते हैं तो ज्यादा बेटर होगा कभी कंफ्यूज नहीं होंगे इलासिटी क्या होता है और रेशियल लिंशी क्या होता है मैंने ट्रिक भी बताया हुआ है इसको याद करने के लिए और ये हर एक फाइबर में आपको पढ़ना होगा क्योंकि जब भी हम टेक्सटाइल को पढ़ते हैं तो ये दो शब्द हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं ये दो शब्द को हमें हर एक फाइबर में लेके चलना होगा सुमन अग्रहारी इसमें नहीं होता है क्या नहीं होता है इलासिटी और रेशीलेंसी क्या है इलासिटी और रेसिलेंसी की बात करें पहले आप लोग कमेंट करिए जल्दी जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए प्रतिस्कंदता हाँ जी जल्दी जल्दी बताइए ताकि एक घंटे में आपकी क्लास कंप्लीट हो जाए लगभग दो घंटे क्लास हाँ एक घंटे क्लास कंप्लीट हो चुकी है तीन बजे तक क्लास चलेगी और तीन बजे तक हम पूरा का पूरा कपास कंप्लीट कर लें जल्दी जल्दी से आंसर दे दीजिए आप लोग खींचने पर अपनी लंबाई को नहीं होती है अच्छा एक बार फिर से आप लोग ध्यान दे दीजिए इलासिटी का संबंध किससे होता है खिंचाव के बाद अपनी स्थिति में आना ठीक है ये क्या है ये दोनों ऐसे शब्दावली हैं जिसका मतलब होता है पूर्व स्थिति ग्रहण कर लेना ठीक है पूर्व स्थिति ग्रहण कर लेना या फिर पूर्व आकार में आ जाना जैसे पहले इसका आकार था उस आकार में आ जाना ही दोनों का मतलब होता है बट दोनों की मीनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है और वही जो डिफरेंस होता है हर बार आपको परेशान करता है ठीक है तो आपको क्या बताना है यहाँ पे इलास्टिटी का मतलब होता है कोई चीज जैसे आप खींच रहे हैं ठीक है लंबाई में मतलब किसी भी चीज को हमने खींचा ये लंबाई में बढ़ा और जब हमने इसको छोड़ दिया तो ये क्या हो गया अपने पूर्व आकार को ग्रहण कर लिया जैसे आप इलास्टिक लगा सकते हैं जैसे आप रबड़ लगा सकते हैं आप अपना हेयर बैंड लगा सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल अगर हम देखें तो आप यहाँ पे इलास्टिक लगा सकते हैं जो इलास्टिक से जिससे हमने खेला था वो जो इलास्टिक है उसमें जब जितना हम लंबा खींचते हैं वो लंबा होता चला जाता है जैसे हेयर बैंड है हमारा ना हेयर को बांधने के लिए जितना हम अपना जो हेयर बैंड है उसको खींचते हैं वो उतना खींचता जाता है और जब हम उसे छोड़ देते हैं वो अपनी पूर्व आकार को ग्रहण कर लेता है उसी को हम क्या कहते हैं इलासिटी कहते हैं ठीक है और अगला जो है लेंसी का मतलब क्या होता है प्रतिस्कंदता होता है प्रतिस्कंदता का मतलब होता है कोई चीज दबाने के बाद जब अपनी पूर्व आकार को ग्रहण कर लेती है पहले जैसे स्थिति में आ जाती है तो उसे हम रेशी ही कहते हैं यही इतना डिफरेंस होता है जी पुस्त करना दबाने पर ठीक है जैसे हम कोई शोकता ले लीजिए आप कोई फॉर्म ले लीजिए उसको जब आप दबाएंगे कंबल ले लीजिए या फिर तकिया ले लीजिए उसको जब हम दबाते हैं तो वो क्या होता है दब जाता है और जैसे ही हम वहाँ से उठते हैं या फिर छोड़ते हैं अपना हाथ तो क्या होता है वो फिर से अपने पूर्व आकार को ग्रहण कर लेता है यही क्या कहलाता है रेशी लेंसे कहलाता है इसमें कभी भी भूलना नहीं ठीक है इस चीज को कभी भी भूलना नहीं क्योंकि जितने भी फाइबर हम पढ़ेंगे ये दो विशेषता ये जो टर्मिनोलॉजी है ये हमारा पीछा छोड़ने वाली नहीं है ओके आगे बढ़े अब हमें देखना है विशेषता और विशेषता को जब भी हम पढ़ते हैं दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं पहला तो हो जाता है भौतिक ठीक है पहला क्या है भौतिक हो जाता है और दूसरा जो है वो क्या हो जाता है रासायनिक विशेषता को हम देखेंगे बहुत अच्छी बात है सत्यवती जी अब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे पहले तो हम देखेंगे जो भौतिक विशेषता है भौतिक में पहला जो पॉइंट आ जाता है वो क्या होता है संगठन आ जाता है जरा बताइए संगठन में कौन कौन से तत्वों को संगठन में कौन कौन से तत्व को देखना है मतलब यहाँ पे आपको बताना है जो फाइबर है जो कॉटन है ये किन किन तत्वों से मिलकर बना हुआ है इसको हम पढ़ते हैं संगठन में तो आप लोग जरा बताइए जो कॉटन है इसमें कौन कौन से तत्व मिलकर बने हुए हैं इसका निर्माण किन किन तत्वों से हुआ है सी एच ओ जी बिल्कुल सी एच और ओ सी का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा सेलुलोज हो जाता है ठीक है <coughs> सेलुलोज हो जाता है सी का मतलब क्या होगा सेलुलोज हो जाता है और ओ का मतलब क्या होता है ऑक्सीजन हो जाता है और एच का मतलब क्या होता है हाइड्रोजन हो जाता है ठीक है यहां पे सी का मतलब कार्बन से नहीं होगा ठीक है यहाँ पे सी का मतलब कार्बन से नहीं होगा जब आप क्या देखेंगे प्राकृतिक जगत के फाइबर को जब आप डिस्कस करेंगे तो इनके अगर हम संगठन की बात करते हैं तो सी प्लस ओ प्लस एच आ जाता है इसमें और सी का मतलब यहां पे कभी कार्बन नहीं होगा यहां पे क्या होता है सेलुलोज होता है ठीक है सी का मतलब क्या होता है सेलुलोज हो गया है यहां पे पूरा का पूरा आप सेलुलोज लिख लेंगे ऑक्सीजन लिख लेंगे हाइड्रोजन लिख लेंगे यहां पे हाँ कार्बन नहीं होगा यहाँ पे अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है जो सेलुलोज का परसेंटेज है यहाँ पे कितने परसेंट सेलुलोज पाया जाता है कॉटन में आप लोग बताइए कार्बन नहीं होगा जी नहीं आपको बताना है जो सेलुलोज है सेलुलोज कितने परसेंट पाया जाता है कॉटन में <clears throat> सेलुलोज कितने परसेंट पाया जाता है सत्तर परसेंट पिछहत्तर परसेंट अभी मैंने बताया था ना जो सेलूलोज है ये चालीस से लेकर नब्बे परसेंट पाया जाता है ठीक है नब्बे परसेंट तक सेलूलोज पाया जाता है किसमें कॉटन में पाया जाता है और इसमें जो जल की मात्रा होती है ठीक है जो जल की मात्रा होती है वो पाँच से लेकर आठ परसेंट तक होती है और जो शेष होती है वो क्या होती है अशुद्धियां हो जाती है ठीक है इसमें नब्बे परसेंट तक क्या पाया जाता है सेलुलोज पाया जाता है और जल की मात्रा की अगर हम बात करते हैं तो पांच से लेकर आठ परसेंट तक जल पाया जाता है इसमें और जो शेष बची हुई होती है दो परसेंट जो है ये क्या होती है दो इसमें अशुद्धियां पाई जाती हैं चालीस से नब्बे परसेंट जी आगे बढ़ेंगे संगठन सबको समझ आया ये जलता कैसे है जब कॉटन जलता है तो उसकी लौ कैसी निकलती है कॉटन जलने पर लौ कैसा देता है ये बताना है आपको पीली जी बिल्कुल आपको क्या बताना है जो भौतिक गुण हमें देखना है विशेषता देखना है इसमें हम अगर इसकी लौ की बात करें ठीक है जब ये जलता है तो कैसी लौ देता है पीली लौ के साथ जलता है ठीक है जो कॉटन है ये कैसा जलता है तो आपको बता देना है ये पीली लो के साथ जलता है और इसकी जो गंध होती है वो कैसी आती है गंध कई बार आपसे पूछा गया है और लौ भी आपसे पूछा गया है लौ भी पूछा गया है और इसके साथ ही साथ ये जलता है तो गंध कैसी आती है तो आप लोग बताइए ये गंध कैसा देता है जब कॉटन जलेगा तो गंध कैसी आएगी कागज के समान जी बिल्कुल आपको बताना है जैसे कागज जलता है कागज के जलने पर जैसे गंध आती है सेम गंध आती है जब कॉटन का कपड़ा जलता है कॉटन का फाइबर जलता है तब ठीक है इसका ब्यास पूछा जाए अगर ब्यास कितना होता है ब्यास से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ब्यास कैसा होता है इसका कितना होता है ठीक है हर चैनल पर सीनू जी हैं और वो हमें बता रही हैं कागज के जलने जैसी गंध जी बिल्कुल आपको क्या बताना है 16 से 20 माइक्रॉन ठीक है 16 से 20 माइक्रॉन क्या होता है इसका व्यास होता है और इसमें ताप सहने की क्षमता लीलन के जैसी होती है ठीक है इसकी तुलना किससे की गई है लीलन से की गई है तो आपको बता देना है ताप सहने की क्षमता जो है किसके जैसी होती है लीलन के जैसी होती है लीलन जो फाइबर है वो भी प्राकृतिक जगत का है उसमें भी सेलुलोज की मात्रा ज्यादा होती है और जो लिनन है ये क्या है अपनी ठंडक प्रवृत्ति के लिए फेमस हुआ है ठीक है तो यहाँ पे बता देना है जो ताप सहने की क्वालिटी होती है कॉटन में वो किसके जैसी होती है सेम होती है लीलन के जैसी ठीक है आग को जल्दी पकड़ता है ये जो है आग को जल्दी पकड़ लेता है ठीक है आग को जल्दी पकड़ता है इसके साथ ही साथ है, अगर हम इसकी आंतरिक संरचना देखते हैं अगर हमें कॉटन की आंतरिक संरचना देखना है मतलब इसे हमें सूक्ष्म दर्शी से देखना है तो ये कैसे दिखाई देती है जरा बताइए आप लोग आंतरिक संरचना कपास की या फिर कॉटन की कैसी होती है किसके समान होती है ये क्वेश्चन रिपीटेड फॉर्म में कई बार पूछा गया है आप लोगों से आंतरिक संरचना कैसी होगी कॉटन की हाँ हाँ जी ए, राधा जी आपको बताना है जो आंतरिक जो कॉटन की आंतरिक संरचना होती है वो बलखाते हुए फीते के समान होती है अभी कल ही मैंने बताया आप लोगों को ठीक है ये कैसी होती है बलखाते हुए फीते के समान होती है अच्छा यहाँ से तीन पॉइंट बनते हैं ठीक है यहाँ की अगर हम बात करें तो आपसे आंतरिक संरचना पूछा गया है आपसे पका कपास पूछा गया है ठीक है पक्का कपास जो होता है उसकी संरचना कैसी है बलखाते हुए फीते के समान है और यहाँ पे अगर आपसे कच्चे कपास की बात की जाए तो वो कैसा होता है एक नली की तरह होता है खाली नली की तरह या फिर एक नली की तरह होता है क्या जो कच्चा होता है और पका वाला कैसा होता है बलखाते हुए फीते के समान या फिर आंतरिक सतह जो होती है आंतरिक संरचना कैसी होती है बलखाते हुए फीते के समान होती है ठीक है यहां से तीन तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और तीनों में अगर हम देखें तो दो क्वेश्चन का अर्थ एक ही है बट यहाँ पे पूछने का जो तरीका है वो अलग हो गया है बट इसके आंसर जो है एक ही हो रहे हैं पके कपास की संरचना या फिर आंतरिक संरचना कैसी है कॉटन की तो आपको बताना है बलखाते हुए फीते के समान और जो कच्चा होता है वो कैसा होता है नली के समान होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं बताना है जो कपास है इसका कलर कैसा होता है तो आपको बता देना है वाइट होता है ठीक है रंग कैसा होता है सफेद होता है बट आपने देखा है भूरा भी होता है ठीक है और ये जो भूरा कलर होता है कपास का ये किसकी वजह से होता है किस चीज की प्रधानता होती है जो इसका कलर भूरा हो जाता है आपको यहां पे बताना है ये जो भूरे कलर का कपास होता है इसमें कौन सी चीज मिल जाती है जो इसका कलर भूरा हो जाता है हाइड्रोजन की वजह से या फिर नाइट्रोजन की वजह से या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से कार्बन की वजह से या फिर प्रोटीन की वजह से कौन से तत्व तो मिलते हैं जब इसका कलर भूरा हो जाता है कॉटन का कलर जीवाणु आपको यहां पे बता देना है जो भूरा कलर होता है वो नाइट्रोजन की वजह से होता है ठीक है इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो कॉटन है उसका कलर भूरा हो जाता है क्यों इसका रीजन है क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की प्रधानता ज्यादा हो जाती है नाइट्रोजन अगर मिल गया है कॉटन में तो वो कलर कैसा हो जाएगा भूरा हो जाएगा नाइट्रोजन की वजह से होता है ठीक हाँ, अगला पॉइंट है कपास पे चमक बढ़ाने के लिए कौन से परिसज्जा करते हैं तो आपको बताना है मर्स राइजिंग करते हैं ठीक है मर्स किस पे करते हैं सेल्योलॉजिक जगत के फाइबर पर हम करते हैं क्योंकि इसमें अपनी खुद की चमक नहीं पाई जाती है इनके रेशों परिसज्जा की जाती है और जिसका नाम है मर्सराइजिंग जो कि सेल्योलॉजिक फाइबर पर किया जाता है ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है असरसन और रीजन में एक बार फिर से सुन लीजिए जो सेल्योलॉजिक फाइबर होते हैं उसमें प्राकृतिक जो चमक होती है वो नहीं पाई जाती है और इनके रेशों पे चमक को बढ़ाने के लिए कौन सा प्रोसेस किया जाता है मर्सराइजिंग प्रोसेस किया जाता है ठीक इलासिटी मतलब क्या होता है अभी आपने देखा इसमें प्रतिस्थता का अभाव होता है ठीक है कपास जो है इसमें प्रतिस्थता का अभाव होता है और प्रतिस्थता का मतलब आपने लोगों ने देखा इलासिटी होता है मतलब ये खिंचता नहीं है जो कॉटन का कपड़ा होगा जिसके नाप का जिस व्यक्ति के साइज का बना होगा वही उस कपड़े को पहन सकता है अदर व्यक्ति नहीं पहन सकते हैं क्यों क्योंकि ये स्ट्रेचुअल नहीं होता है ये फैलता नहीं है ये लंबाई में खिंचता नहीं है ये जिसके नाप का वस्त्र बना हुआ है वही व्यक्ति उसको पहनेगा तो उसके फिट आएगा अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसे पहनता है तो उसकी बॉडी में फिट नहीं होता है तो आपको बता देना है इसमें जो प्रतिष्ठता का गुण होता है इसका अभाव पाया जाता है किसमें कॉटन में बॉडी के अनुसार सेट नहीं होता है खिंचता नहीं है इसका आकार भी बढ़ता नहीं है ठीक है स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से सबसे अच्छा रेशा कौन सा होता है कपास होता है अगर हम स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से देखें तो सबसे अच्छा रेशा कौन सा होता है कपास होता है इसके साथ ही साथ गीली अवस्था में मजबूती इसकी बढ़ जाती है ठीक है गीली अवस्था में इसकी मजबूती कितनी बढ़ती बढ़ जाती है तीस परसेंट बढ़ जाती है ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है जब कपास गीला होगा तो उसकी जो मजबूती होती है वो बढ़ जाती है और कितने गुना बढ़ती है तो आपको बता देना है तीस गुना बढ़ जाती है मतलब तीस परसेंट बढ़ जाती है मजबूती गीली अवस्था में कपास की क्लियर अच्छा आप लोग ये बताइए फफूंदी लगती है कि नहीं लगती है कपास में फफूंदी लगती है कि नहीं हाँ तीस परसेंट मजबूती बढ़ जाती है गुड आफ्टरनून उर्मी जी क्या होता है ये जो गीली अवस्था में हो जाती है मजबूती बढ़ जाती है इसकी और आपको यहाँ पे बताना है जो फफूंदी है वो क्या होती है फफूंदी लगती है कॉटन में ठीक है फफूंदी लगती है कॉटन में रोशन झा लगती है गुड आफ्टरनून अगला पॉइंट हम यहाँ पे देखें नमी सोखने का गुड़ होता है ठीक है क्या होता है इसमें नमी सोखने का गुण होता है नमी सोखने का का गुण होता है आपसे अगर पूछा जाए कि कौन से फाइबर में नमी सोखने का गुण होता है तो आपको क्या बताना है कॉटन में नमी सोखने का गुण होता है इसके साथ ही साथ हम यहाँ पे देखेंगे जो प्रतिस्कंदता होता है उसका भी अभाव होता है ठीक है प्रतिस्कंदता का भी अभाव होता है किसमें कॉटन में प्रतिस्थता का अभाव होता है प्रतिस्कंदता का भी अभाव होता है तभी तो जब भी हम कॉटन का कपड़ा पहनते हैं कोई भी ड्रेस पहनते हैं तो क्या करते हैं वो बिना प्रेस के दोबारा यूज करने लायक नहीं होता है जैसे हम उसको फोल्ड किए जैसे उठे हैं बैठे हैं वो वैसे ही आकार ग्रहण कर लेता है सिकुड़ जाता है अगर हम उसको दोबारा प्रेस नहीं करें तो उसे हम धारण नहीं कर सकते हैं तो आपको क्या बताना इसमें प्रतिस्कंदता प्रत्यस्थता का अभाव पाया जाता है किसमें कॉटन में नमी सोखने का गुड़ होता है जी अब हमें देखना है रासायनिक विशेषता ठीक हमें देखना है रासायनिक विशेषता अगर आप लोग इसका ट्रिक जानना चाहते हैं तो क्लास ज्वाइन कर लीजिए और क्लास को ज्वाइन करने के लिए सेवन एट नाइन टेन नाइन एट एट फाइव वन पे कॉल या मैसेज कर लेना है आपको जल्द से जल्द क्लास को ज्वाइन कर लेना है क्योंकि अभी न्यू बैच स्टार्ट हुआ है टेक्सटाइल से और टेक्सटाइल जो है जितने भी प्रोसेस हैं आपको जो है ट्रिक बेस पर पढ़ाए जाएंगे ताकि प्रॉब्लम ना हो सारी चीजें आपकी क्लियर हों आगे बढ़ेंगे रासायनिक विशेषता को देखेंगे हम रासायनिक विशेषता में क्या आ जाता है अम्ल का अच्छा प्रभाव पड़ता है या बुरा प्रभाव पड़ता है आपको बताना है अम्ल की अगर हम बात करें तो कैसा प्रभाव पड़ता है अम्ल का शिवानी जी गुड आफ्टरनून बेड जी आपको बताना है अम्ल का बुरा प्रभाव पड़ता है ठीक है और छार का छार का प्रभाव कैसा पड़ता है छार का प्रभाव क्या होता है अच्छा पड़ता है ठीक है अच्छा इसमें बताइए कि जो रंग है वो पक्का चढ़ता है या फिर हमें पक्का करना पड़ता है रंग पक्का चढ़ता है या फिर हमें पक्का करना पड़ता है इसका जो रंग है ये क्या होता है ये कच्चा होता है ठीक है जब हम कपड़े पर वस्त्र पर रंग को लगाते हैं तो ये रंग जो होता है कच्चा होता है इसे हमें पक्का करना पड़ता है और पक्का करने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं पानी ठीक है पानी में नमक और नमक के साथ साथ हम क्या मिलाते हैं फिटकरी को मिलाकर इसके रंग को पक्का कर लेते हैं पक्का नहीं चढ़ता है हेमलता जी कभी भी कॉटन पर जो कलर होगा वो पक्का नहीं होता है इसके कलर को पक्का किया जाता है और पक्का कैसे होता है पानी के साथ नमक और फिटकरी को यूज करते हैं पसीने का प्रभाव कैसा पड़ता है पसीने का प्रभाव अगर हम देखें तो कैसा पड़ता है अच्छा पड़ता है या बुरा पड़ता है जी आपको क्या बताना है इसमें जो पसीने का प्रभाव होता है वो क्या होता है हानिकारक ठीक है पसीने का प्रभाव कैसा होता है हानिकारक होता है तो आज के क्लास में बस इतना ही मिलते हैं कल की क्लास को देखेंगे हम और कल की क्लास में हम देखेंगे इसके इसके ट्रिक को भी देखेंगे जो कि होगी पेड क्लास में ठीक है तो जितने भी बच्चे क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं अगर आप लोग तो अभी यहाँ पे न्यू बैच स्टार्ट हुआ है आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और जितने भी प्रोसेस हैं वो सारे के सारे प्रोसेस आपको ट्रिक बेस पर मिलेंगे ताकि आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना हो और क्लास ज्वाइन करने के लिए जो नंबर शो हो रहा है उस नंबर पर कॉल या मैसेज करना है मंजू पाटनी में रंग पढ़ पक्का चढ़ता है दिया है मैम रंग पड़ रंग पक्का नहीं चढ़ता है रंग पक्का करना पड़ता है कोई भी अगर आप कॉटन का कपड़ा लेके आते हैं जो प्योर कॉटन है आप इसको देख भी सकते हैं आप कोई कॉटन का दुपट्टा ले लीजिए और अगर आप देखेंगे तो उसका कलर निकलता है उसे हमें क्या करना होता है पक्का करना होता है ठीक है तो आप इसको ध्यान रखिएगा कभी भी जो कॉटन का कलर होता है वो पक्का नहीं होता है उसे पक्का किया जाता है और पक्का करने के लिए क्या यूज किया जाता है नमक पानी और फिटकरी का प्रयोग करके कपड़े का रंग पक्का किया जाता है ओके okay? तो आज का पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया अभी हमें कई अनुसंधान के बारे में देखना है केंद्रीय कपास अनुसंधान कहाँ पर है कपास का, का विश्लेषण कहाँ पर हुआ है इन सारी चीज़ों के बारे में अभी बहुत सारे पॉइंट हैं जो कि मैंने यहाँ पे नहीं बताया हुआ है ठीक है कब इसका इसके मिल की स्थापना हुई कब कहाँ पर क्या हुआ सारी चीज़ें अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी रह गई हैं तो अगर आप क्लास ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ पर सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी अभी बहुत सारी चीज़ छूटी हुई है